मेरे पापा की वजह से हूँ, उनके जो भी पॉजिटिविटी है वो सारी मेरे में आ चुकी है, ऐसे मुझे लगता है। आई एम टू मच पॉजिटिव बिकॉज ऑफ हिम। उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज़ें आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन माई लाइफ। एक नेतृत्व उनमें पहले से ही देखा हुआ था, बहुत एक्टिव है, बहुत सोशलिस्ट है, लोगों का अच्छा करने की उनमें बहुत ही ज़्यादा इच्छा है। तो मुझे ऐसे लगता है कि रोटरी क्लब के थ्रू उन्हें उनके जो ड्रीम्स है या ये जो सोशलिस्ट जो उनका अप्रोच है इस सोसाइटी के लिए, ये करने के लिए उन्हें बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जैसे कि श्रेया ने कहा, इवन मेरे में भी उन्होंने काफ़ी ऊर्जा जनरेट की है फॉर बीइंग सोशल। सो बड़े हैं हमारे, तो उनकी दुआ हमें हमेशा लगती रहेगी। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मेरे फादर इन लॉ को कि आज उन्हें ये प्रेसिडेंटशिप का पद मिला है, और बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो फ्यूचर में इसी तरह लोगों के लिए अच्छा अच्छा करते रहें। आपको सम्मान मिले होंगे, आपको भी सम्मान मिले होंगे, और 100% है कि आपको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, तभी दोनों को सम्मान भी मिले होंगे। लेकिन अगर पिता सामने खड़ा हो और उसको सम्मान मिल रहा हो, तो बेटे के क्या रिएक्शन होते हैं या बेटी के, आपकी तरफ से कैसा लग रहा था जब उनको सम्मान मिल रहा था और बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे? हम भी थे, हम बहुत पीछे बैठे थे, लेकिन हाँ, मैं सबसे पहले ताली बजा रही थी, चाहे कोई बजाए ना बजाए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये कहना है, तुम चाहे तुम्हारी ज़िंदगी में जितने भी बड़े हो जाओ, चाहे तुम चांद तारे तोड़ लो या कुछ भी कर लो, एक बाप हमेशा बाप होता है और माँ हमेशा माँ होती है। तो जिस तरीके से वो जब हमें देखते हैं कि हमारे लाइफ में हमारी प्रोग्रेस हो रही है, तो एट दी एज ऑफ 61 जब हम लोग देख रहे हैं कि मेरे फादर इन लॉ एंड उनके फादर किसी ऐसे पोस्ट पे जा रहे हैं, तो हम लोग के पास एक्चुअली वी डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि इतनी भी उम्र होने के, तो एट दी एज ऑफ 61 हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हमारे डैड ने ये पोजीशन एक्वायर की है, और उनका सोशलिस्ट अप्रोच जो सोसाइटी के लिए है, जो लोगों को मदद करने का उनका जो अंदाज़ा है, उनकी जो ये अर्ज है, इसे देख के हम लोग को बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, प्रेसिडेंट पदी आज आपण स्थायी झालेला आहात, तर पहिल्यांदा तुम्हाला अभिनंदन या गोष्टीसाठी। काही प्रश्न आहेत, तर सगळ्यात पहिला प्रश्न असा की पुढे काय प्लॅन्स आहेत आता? धन्यवाद सर, मी रोटरी क्लब ऑफ जळगाव मिडटाऊनचा प्रेसिडेंट झालेलो आहे, आणि 1 जुलैपासून माझं टेन्युअर आहे, तर 30 जून 2024 आहे। मी गेल्या 6 महिन्यापासून त्याच्यावरती मेहनत करत आहे। मी आतापर्यंत जे 5 प्रेसिडेंट आहेत, डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर आहे, आणि सगळे जे मोठमोठे लोक आहेत जे रोटरीनी बरंच काम केलं आहे, त्याची चर्चा करून मी माझ्या सर प्रोजेक्टची आखणी केली आहे। रोज माझ्या डोक्यामध्ये प्रोजेक्टविषयी चर्चा असते, काय करायला पाहिजे काय नाही, असं मी रोज शोधत असतो की काय करायला पाहिजे, आणि त्यातून मग मला नवीन नवीन सुस्ता कल्पना ते मी लिहून ठेवतो। तसं मी माझ्या पूर्ण वर्षभराचं प्लॅनिंग लिहून ठेवलेलं आहे, आणि माझ्या टेन्युअरमध्ये माझ्या जी टीम आहे 60 लोकांची, त्या सगळ्यांना मी खुश करण्याचा प्रयत्न करेल आणि समाजासाठी चांगलं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करणार आहे। राजेंद्रजी, आजपर्यंत आपण सेक्रेटरी म्हणून ऑलरेडी याच क्लबसाठी म्हणून काम केलेलं आहे, आपण सगळा जो सेरेमनी बघितला त्याच्यामध्ये मोर दॅन 60 प्रोजेक्ट्स तुम्ही या मागच्या वर्षामध्ये राबवलेले आहेत, तर या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून आता जळगावमध्ये आपला हा क्लब वाढवण्याच्या पाठीमागे तुमची काय संकल्पना आणि काय प्लॅन्स आहेत? माझा असं प्लॅन आहे की जळगावमध्ये असं एक युनिट काम करावं की जे रोटरीच्या माध्यमातून आपल्याला समाजापर्यंत पोहोचवेल, जसं काय रोटरी आहे, हॉस्पिटल आहे, रोटरी गार्डन, रोटरी मार्ग, असं माझ्या नवीन नवीन कल्पना माझ्या डोक्यामध्ये, नंतर रोटरी डायलिसिस सेंटर असं उघड, असे नवीन बऱ्याच कल्पना आहे। एक स्कूलला ॲडॉप्ट करायचं, तिला 30 लाख रुपयाचं ग्रँट आणायची, एक स्मार्ट स्कूल करायची, त्यांना कॉम्प्युटर लॅब, ज्या नाही का स्कूलला ज्या ज्या गरजेच्या महत्त्वाच्या वस्तू आहेत त्या रोटीच्या मध्ये त्यांना पुरवायच्या, असं मी प्लॅनिंग केलं आहे। एक साल में आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है, तो उससे इसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आपने इतनी एनर्जेटिक तरीके से इतनी मेहनत किया आपने और यहाँ तक पहुँचा, कुछ उसके बारे में और अपने बारे में कुछ खेल दीजिए कि आप क्या क्या करते हैं। मुझे अब काम करना था, इसके लिए मैंने ये रोटरी में ज्वाइन किया, और मेरे अंदर लीडरशिप है और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में अपन देने के लिए आए, देने के लिए नहीं, जितने आप दोगे उतना बढ़ेगा, ये मेरा खुद का मानना है और ये सबका भी मानना है। तो समाज के लिए मुझे करना काम है, और मेरा जो क्लब है रोटरी है जल, और ये रोटरी क्लब में आने से मुझे बहुत से नए नए दोस्त मिले, इंटरनेशनल दोस्त मिले,
और मेरा इतना बड़ा परिवार हो गया कि मेरा आज कुछ भी काम जो है तो वो 2 मिनट में हो जाता है। कोई बड़े बड़े डॉक्टर है जिनकी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, वो आज मेरे बाजू में आके बैठते हैं। तो ये मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट है और इसका फायदा मैं समाज के लिए करने वाला हूँ। आज के यंगर्स को कोई मैसेज देंगे अपनी साइड से, जिस तरह से आप मेहनत करते हैं, आज के हम यंगर्स को देखते हैं कि वो मेहनत से बचते हैं, आज के जो क्लब मैसेज आपकी साइड, आज के जो क्लब मेंबर्स है उनको मेहनत करने की इच्छा नहीं है, उनको बस सिर्फ आओ बैठो एंजॉय करो जाओ। बहुत कम लोग हैं कि उनको मेहनत करने की इच्छा है, अंदर से इच्छा है। तो मैं उनको मेरा सलाह देता हूँ कि वो रोटरी में आए, खुद को पहचाने और लोगों के लिए काम करें। धन्यवाद। आगे का एम क्या है आपका, क्या करने वाले रोटरी के लिए, क्योंकि आज का आप प्रेसिडेंट बन गए? रोटरी के लिए मैं सब बोला है, मैंने सब प्लानिंग किया है और 6-7 बड़े बड़े प्रोजेक्ट प्लान किए हैं, जैसा रोटरी हॉस्पिटल, रोटरी डायलिसिस सेंटर, रोटरी स्कूल के लिए 30 लाख रुपये का प्रोजेक्ट लाना है, और समाज के लिए मुझे जो भी कुछ काम करना है तो मैंने सब प्लान करके रखा है और सब मैंने अभी मेरे बोली है आपको। तो ये जलगांव में ही रहेगा, जलगांव से बाहर भी आप जाने वाले? बाहर भी करेंगे, मौका मिलेगा तो। इनको सम्मानित किया गया, तो हमने सुना है कि हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे पति प्रेसिडेंट बन गए और उनकी वजह से मुझे भी सम्मान मिल रहा है, मुझे बहुत अभिमान हो रहा है उन पर, बहुत अच्छा लग रहा है। उनसे कुछ विचार विमर्श किया, कुछ करेंगे आप उनके साथ? हाँ, मैं उनको बोलती रहती हूँ ऐसा करो ऐसा करो ऐसा, उनके सलाह भी देती रहती हूँ कभी कभी। क्या शुभकामनाएं देंगे उनको? उनका उनसे आज से समाज अच्छे से समाज सेवा हो जाए और अच्छा उनका ये रोटरी का प्रेसिडेंट का साल अच्छा गुजर जाए और ऐसे और भी आगे चले जाए, DG भी बन जाए ऐसी।